गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि कई देशों में स्वतंत्र और खुले इंटरनेट पर हमले हो रहे हैं। पिचाई ने कहा कि कई देश सूचना के प्रवाह को प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं और स्वतंत्र और खुले इंटरनेट की मॉडल को हल्के में लिया जा रहा है। उन्होंने सीधे चीन का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कहा कि हमारे प्रमुख उत्पादों और सेवाओं में से कोई भी चीन में उपलब्ध नहीं है। पिचाई ने साफ किया कि इंटरनेट के भविष्य को निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सामूहिक थिंक टैंक को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो स्वतंत्र इंटरनेट को ध्यान में रखते हुए काम करे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आग, बिजली या इंटरनेट से ज्यादा अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं इसे मानवता द्वारा विकसित और कार्यरत अब तक की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में देखता हूँ। आप इसे आग, बिजली और इंटरनेट की तरह देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे इन सबसे ज्यादा अहम मानता हूँ। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों नेताओं की जिनेवा में हुई मुलाकात के एक महीने के भीतर ये चर्चा हुई। पिचाई के अनुसार अगले 25 सालों में दो चीजें क्रांति लेकर आएंगी, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं इसे मानवता की बनाई जाने वाली सबसे बेहतरीन तकनीक के रूप में देखता हूँ। आप आग, बिजली या इंटरनेट के बारे में अभी जैसा सोचते हैं, ये वैसा ही होने वाला है, मुझे लगता है उनसे भी बेहतर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम मनुष्यों की तरह काम करने के लिए बनाया जाता है, खास तौर पर किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए। अभी भी कई ऐसे सिस्टम काम कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट है। साधारण कंप्यूटिंग बाइनरी पर आधारित है, जीरो या एक, इनके बीच कुछ नहीं होता, इन्हें बिट्स कहा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स पर काम करते हैं। इससे एक पदार्थ को एक ही समय में कई स्टेट में होने की संभावना बनती है। इसे समझना मुश्किल है, लेकिन ये दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि पिचाई समेत तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभी जगह काम नहीं आएंगे।